स्वागत है आपका घूमते फिरते के नए एपिसोड में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि घूमते फिरते एक ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको जानकारी के साथ मनोरंजन की पूरी डोज मिलती है, और हम पहुंचते हैं देश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांव में, और वहां के किसानों से सवाल जवाब करते हैं, उन्हें इनाम भी मिलता है। तो आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक गांव में, और फिर सवाल जवाब का सिलसिला यहां पर शुरू करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम 5 सवाल पूछते हैं, और अगर पहले ही किसान ने 5 सवाल के जवाब सही दे दिए तो समझिए कि उसे किसान कप हासिल हो जाता है, वो विजेता होता है। और अगर बीच में कोई सवाल गलत हुआ तो वो सवाल अगले किसान पर, अगले प्रतिभागी पर पास हो जाता है। तो चलिए सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस गांव की झलकियां। तो वहां पहुंचे आजमपुर गांव में, जो कि हापुड़ जिले का एक गांव है, और यहां के किसान भी आप देख रहे हैं कि मौजूद हैं, और इन किसानों के साथ हम सवाल जवाब का ये खेल खेलेंगे, और जो भी किसान इसमें जीतेंगे उन्हें मिलेगा किसान कप। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और कौन पहला प्रतिभागी बनना चाहेगा आप में से? तो आइए आप हमारे पहले प्रतिभागी कार्यक्रम की, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके साथ इस खेल की, और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। और अगर ये 5 सवालों के सही जवाब देने में लगातार कामयाब होते हैं तो इन्हें मिलेगा किसान कप। तो आप सीट ले सकते हैं। तो पहले प्रतिभागी आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं और फिर सवाल दागते हैं इनके ऊपर, और देखते हैं कि कहां तक पहुंच पाते हैं, क्या ये किसान कप जीत पाते हैं या नहीं। आपका नाम बताएं। अनीश अहमद। अनीश अहमद जी, अनीश जी क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। खेती, किस चीज की खेती करते हैं, कौन कौन सी? गन्ने की जी, जी और मटर की, गेहूं की, धान की। तो अनीश जी हमारे साथ हैं आज, और अनीश जी जैसा कि इन्होंने बताया कि किसान हैं और इन्होंने कई फसलें ली हैं इस बार, तो तैयार हैं आप सवाल जवाब के लिए? तो चलिए अब अनीश जी से हम पूछते हैं आज का पहला सवाल। अनीश जी का पहला सवाल है ये, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम मंडी खबर में किसके बारे में जानकारी दी जाती है? इसके लिए आपको हम देते हैं 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए मौसम की जानकारी, ऑप्शन बी खेती की आधुनिक तकनीक की जानकारी, ऑप्शन सी पशुचारे की जानकारी, और ऑप्शन डी मंडी की जानकारी। मंडी की जानकारी दी जाती है। अनिल जी आपने इस कार्यक्रम को देखा है, मंडी खबर को? देखा। और किस किस तरह की जानकारी आप इसमें पा पाते हैं? मंडियों की जानकारी दी जाती है, जैसे मान लो गेहूं की फसल के बारे में और भाव के बारे में, सबकी इनकी जानकारी दी जाती है जी। तो अनीश जी ने बताया है कि ऑप्शन डी है सही जवाब। तो आपको बता दें कि अनीश जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी है सही जवाब। तो अनीश जी ने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है, और अब वो किसान कप से है सिर्फ 4 कदम दूर। चलिए अब आपको बता देते हैं कि दूसरा सवाल क्या है। अनीश जी के लिए दूसरा सवाल है ये, पशुओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए सरकार ने हाल ही में कौन सी सुविधा शुरू की है? इसके लिए हम देते हैं 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ई पशु हाट, ऑप्शन बी पशु सेवा केंद्र, ऑप्शन सी ई मंडी, और ऑप्शन डी किसान सुविधा ऐप। तो चलिए जान लेते हैं अनिश जी से कि वो इसका जवाब दे पाते हैं नहीं, कितने डिजिटल है अनिश जी, ये भी इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, सवाल के जवाब के जरिए पता चल जाएगा। तो अनिश जी क्या है इसका जवाब? ई पशुहार की जानकारी दी जाती है। तो बिल्कुल अनिश जी ने जवाब दे दिया है ई पशुहाट, यानी जो हमने 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से उन्होंने ए ऑप्शन चूज किया है, और इनका जवाब आपको बताए बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर, और अब बहुत तेजी से अनिश जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा सवाल क्या वो पार कर पाएंगे, सही जवाब दे पाएंगे या नहीं, अब ये है बड़ा सवाल। तो चलिए अनिश जी के लिए तीसरा सवाल है ये, इनमें से रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? इसके 4 ऑप्शन है ए धान, बी गेहूं, सी मक्का, और डी कपास। इसका सही जवाब है गेहूं, अन्य फसल रबी की फसल नहीं है। तो अनिश जी ने जवाब तो दे दिया है, और ये जवाब उनका सही है, ऑप्शन बी गेहूं। और बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल जुड़ा हुआ है दक्षिण भारत से। चलिए जान लेते हैं क्या है अगला सवाल। तो अनिश जी के लिए चौथा सवाल है ये,
हाल ही में दक्षिण भारत में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? इसके लिए फिर चार ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए फैलिन, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी कैटरीना और ऑप्शन डी वर्दा। तो अनिश जी, क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है वर्दा। वर्दा जी। तो अनिश जी ने जवाब दे दिया है और उन्होंने बताया है कि ऑप्शन डी यानी वर्दा है इसका सही जवाब उनके मुताबिक। लेकिन सही जवाब क्या है ये आप जानना चाहते होंगे तो आपको बता दें कि अनिश जी चौथे सवाल में भी कामयाब हुए हैं और ये है उनका सही जवाब। तो बहुत तेजी से अनिश जी आगे बढ़ते जा रहे हैं और तूफानी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। चार सवालों के लगातार उन्होंने सही जवाब दिए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या है आज का हमारा पांचवा सवाल हमारे इन प्रतियोगी अनिश जी के लिए। तो अनिश जी के लिए पांचवा और आखिरी सवाल है ये, दशहरी किस फल की किस्म है? इसके लिए है चार ऑप्शन, ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी अमरूद। आम। तो अनिश जी ने बताया है कि ऑप्शन सी यानी आम है इसका सही जवाब और भले ही इसका जवाब उन्होंने आम दिया है लेकिन इस जवाब के साथ वो हो जाते हैं खास क्योंकि ये जवाब है सही जवाब। तो बिल्कुल अनिश जी हमारे आज के कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी और पहले विजेता है और मैं चाहूंगी अनिश जी आप अपनी सीट से खड़े हो जाएं क्योंकि आप पहले विजेता हैं और आपको दिया जाएगा किसान कप, चमचमाता हुआ किसान कप जो कि हमारी तरफ से एक आपके लिए इस कार्यक्रम के लिए यादगार है जिसे आप अपने पास रख सकते हैं और ये हमेशा आपको याद दिलाएगा कि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसके विजेता बने। तो हम तक पहुंच चुका है किसान कप और ये जाता है अनिश जी के पास। अनिश जी आपका इनाम, आप इसके हकदार हैं। अनिश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने घूमते फिरते किस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पहले ही प्रतिभागी रहे हमारे विजेता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और किसानों से बात करते हैं। अब कौन इस खेल को खेलना चाहेगा, अगला प्रतिभागी कौन बनना चाहेगा? तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कोने में एक युवा किसान हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि इसमें भाग लेना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप आगे आ जाएं, तालियों के साथ स्वागत करते हैं। युवा हमारे साथ किसान इस वक्त मौजूद है और आइए उनसे पहले हम बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जावेद अली है। जावेद अली और जी। मैं पेशे से एक टीचर हूं और किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूं। तो चलिए हम आपसे भी सवाल करते हैं और पहला सवाल हमारा जावेद के लिए है ये, केसर की खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है? इसके लिए जावेद जी को हम देते हैं चार ऑप्शन, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी गुजरात। जम्मू कश्मीर। तो जावेद जी ने जवाब दिया है कि जम्मू कश्मीर में केसर की खेती होती है और इसका जवाब उन्होंने सही दिया है। ये गलत, आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको, क्या इनका ये पहला सवाल सही होगा? तो आपको बता दें कि जावेद ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, जम्मू कश्मीर। और इसी के साथ ही अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, दूसरा सवाल जावेद जी से करेंगे, ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा, देखते रहे आप घूमते फिरते। इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध कुश्ती से है? इसके लिए हम आपको देते हैं चार ऑप्शन, ऑप्शन ए सुशील कुमार, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी आर अश्विन, ऑप्शन डी परगट सिंह। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे। दूरदर्शन किसान के घूमते फिरते कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हमारी टीम पहुंची है घूमते फिरते हुए हापुड़ के आजमपुर गांव में और हमारे साथ जावेद जो कि एक युवा किसान है वो प्रतिभागी के रूप में मौजूद है और ब्रेक से पहले हमने उनसे एक सवाल पूछा था जिसका वो सही जवाब देने में कामयाब हुए थे। और चलिए अब सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब जावेद से पूछते हैं दूसरा सवाल। जावेद जी के दूसरा सवाल है ये, इनमें से किस फिल्म में आमिर खान ने किसान की भूमिका निभाई है? इसके लिए हम आपको देते हैं चार ऑप्शंस,
ऑप्शन ए थ्री इडियट्स, ऑप्शन बी गजनी, ऑप्शन सी लगान और ऑप्शन डी दिल चाहता है। तो जावेद फिल्मों का शौक रखते होंगे, मुझे लगता है ये सवाल तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, तो क्या है आपका जवाब? हमारा जो सिनेमा है वो किसानों पे फिल्में कम बनाता है। मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा आमिर खान को कि उन्होंने लगान जैसी फिल्म में किसान की एक्टिंग करके एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया है, मुझे लगता है किसानों के ऊपर। और इसका सही जवाब जो है लगान। तो जावेद जी ने जवाब दिया है ऑप्शन सी फिल्म लगान, जिसमें आमिर खान ने किसान की भूमिका निभाई थी और ये फिल्म काफी पसंद भी की गई थी। और जावेद जी का ये भी कहना है कि ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। तो आपको बता दें कि ये जवाब बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल जावेद जी ने सही जवाब दिया है और काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि इस फिल्म में आमिर खान भी कामयाब होते हैं बाद में, तो उम्मीद करते हैं कि आप भी कामयाब होंगे किसान कप पाने में। तो चलिए जान लेते हैं जावेद जी के लिए तीसरा सवाल क्या है। जावेद जी के लिए तीसरा सवाल है ये, उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला किस चीज के लिए मशहूर है? इसके लिए हम आपको देते हैं चार ऑप्शन। ऑप्शन ए पापड़, ऑप्शन बी चटनी, ऑप्शन सी मुरब्बा और ऑप्शन डी अचार। मुझे लगता है कि जावेद जी के लिए तो ये सवाल बहुत आसान होगा। तो क्या है जवाब जावेद जी इसका? पापड़ है इसका जवाब। तो जावेद जी ने जवाब दिया है कि इसका सही जवाब है पापड़। तो आपको बता दें कि जावेद जी का जवाब बिल्कुल सही है। हापुड़ के पापड़ काफी मशहूर है और ना सिर्फ हापुड़ में बल्कि देश के दूसरे कोनों में भी काफी मशहूर है और लोग काफी पसंद करते हैं। और हम आशा करते हैं कि जाते जाते हमें भी हापुड़ के पापड़ चखने को जरूर मिलेंगे। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आप जान लेते हैं अगला सवाल। जावेद जी के लिए चौथा सवाल है ये, नोटबंदी के बाद सरकार ने किसानों के लिए कौन से राहतों का ऐलान किया था? इसके लिए हम देते हैं आपको चार ऑप्शन। ऑप्शन ए पुराने नोटों से बीज खरीदना, ऑप्शन बी फसल बीमा के प्रीमियम भुगतान की समय सीमा बढ़ाना, ऑप्शन सी यानी ऑप्शन ए और बी दोनों ही, ऑप्शन डी है आपके लिए जिसमें ए और बी में से कोई नहीं। तो आइए जान लेते हैं जावेद जी का सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए बीज से जुड़ा हुआ और दूसरा जो है जो भुगतान प्रीमियम, वो दोनों ही सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन तीन जो है ए और बी दोनों सही है, ये ऑप्शन सही है। तो जैसे कि जावेद जी ने बताया है कि जो हमने ऑप्शन सी दिया है जिसमें ऑप्शन ए और बी यानी पुराने नोटों से बीज खरीदना और फसल बीमा के प्रीमियम भुगतान की समय सीमा बढ़ाना, ये दोनों ही सही जवाब है और जिसे हमने रखा है इसे ऑप्शन सी के तौर में। तो आपको बता दें कि जावेद जी की जानकारी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी है सही जवाब। तो जावेद जी हमारे साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये दूसरा किसान कप भी आप ही लेकर जाएंगे। और बिल्कुल पता चल रहा है कि आप बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते होंगे। हमारा एक डायलॉग है कि बर्तन कितना भी महंगा हो जब तक उसके अंदर असली दूध नहीं होगा, चाहे भले मिट्टी का हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। महंगा बर्तन हो, चीजें खराब है, कुछ नहीं होने वाला। तो हम इस चीज को पूरा ध्यान रखते हैं क्योंकि किसानों के बच्चे हैं मोस्टली और उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो कम पैसे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी नौबत ना आए कि उस प्रतिभा का यहाँ पे खराब हो जाए और वो कामयाब हो जाए। बिल्कुल जावेद जी आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर रखी और जैसा कि आपने बताया कि बहुत पैसे नहीं होते किसानों के पास, कम पैसे में भी आप अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं और हम जानते हैं कि पैसों से कभी शिक्षा नहीं खरीदी जा सकती है। तो हम चाहते हैं कि जावेद जी के लिए एक बार फिर से तालियां हो जाएं। और अब जावेद जी पहुंच चुके हैं आखिरी पड़ाव में, पांचवें सवाल पर। और अगर इस पांचवें सवाल का वो सही जवाब देते हैं तो जावेद बन जाएंगे आज के कार्यक्रम के दूसरे विजेता। तो आइए देख लेते हैं जावेद के लिए पांचवा सवाल क्या है। जावेद जी के लिए पांचवा और आखिरी सवाल है ये, जो उन्हें किसान कब दिलवा सकता है। तो जावेद जी के लिए सवाल है ये, इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध कुश्ती से है? इसके लिए हम आपको देते हैं चार ऑप्शन। ऑप्शन ए सुशील कुमार, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी आर अश्विन, ऑप्शन डी परगट सिंह। जिस देश में अखबार खेल पृष्ठ से पढ़ा जाता हो उस देश में सवाल का जवाब आसान है, सुशील कुमार है। तो जावेद जी ने जवाब दिया है ऑप्शन ए सुशील कुमार और सवालों की ये कुश्ती जावेद जी जीत चुके हैं। सुशील कुमार है सही जवाब। तो मैं चाहूंगी जावेद जी आप अपनी सीट से खड़े हो जाएं और आप भी हमारे किसान कप के हकदार बनते हैं। तो किसान कप हम तक पहुंच चुका है और ये जाता है अब जावेद को, वो इसे पूरी तरह से डिजर्व करते हैं, इसके हकदार हैं। जावेद जी ये हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा।
जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में और अब आप अपनी सीट पर जा सकते हैं। तो ये थे दो प्रतिभागी, दोनों ही प्रतिभागी जीतने में कामयाब रहे और अब कौन खेलना चाहेगा इस सवाल जवाब का खेल? काफी डिमांड हो रही है आपके लिए। जी जी जी, आइए आइए। तो अब हमारे तीसरे प्रतिभागी भी आ चुके हैं और हम इनसे भी सवाल जवाब करेंगे, लेकिन सवाल जवाब शुरू करें उससे पहले उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आस मोहम्मद है जी। आस मोहम्मद जी, आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ, थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ। घूमने फिरने का शौक है और हमारे कार्यक्रम का नाम भी घूमते ही फिरते हैं। जी हाँ, इसीलिए मैंने ये नाम पसंद करा। तो चलिए हम आपसे भी सवाल जवाब करेंगे और देखते हैं कि घूमने का शौक है तो ये शौक उन्हें ये कब दिला पाता है कि नहीं, जो हमारे सवाल है घूमते फिरते के उसके सही जवाब वो दे पाते हैं नहीं पांचों सवालों के। तो फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और अपने तीसरे प्रतिभागी से भी ये सिलसिला शुरू करेंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहे घूमते फिरते। आस मोहम्मद जी को लगता है खेल की भी बहुत अच्छी जानकारी है, सिनेमा की तो है ही, तो ये जवाब भी बिल्कुल सही जवाब। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की, कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। तो ब्रेक के बाद घूमते फिरते में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया ब्रेक से पहले कि हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के आजमपुर गांव में और बड़ी संख्या में यहां पर किसान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। दो प्रतिभागी जीत चुके हैं और तीसरे प्रतिभागी जो कि आस मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आस मोहम्मद जी के लिए पहला सवाल है ये, मेरे देश की धरती सोना उगले ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? बहुत ही आसान सवाल है और आशा करते हैं कि जिन्हें भी फिल्मों का शौक है और आस मोहम्मद जी ने तो अपने जवानी के दिनों में जरूर इस फिल्म को देखा होगा, तो आपको हम चार ऑप्शन बताते हैं। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिलीप कुमार, ऑप्शन बी मनोज कुमार, ऑप्शन सी राजकुमार, ऑप्शन डी राजेंद्र कुमार। तो जान लेते हैं कि कितना ज्ञान है फिल्मों के बारे में आस मोहम्मद जी को। मनोज कुमार। दास मोहम्मद जी ने जवाब दिया मनोज कुमार। चार हमने ऑप्शन दिए थे और उसमें बी ऑप्शन है मनोज कुमार, और इससे पता चलता है कि इन्होंने अपने समय में खूब फिल्में देखी हैं। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी मनोज कुमार। आज मोहम्मद जी ने पहले ही सवाल का सही जवाब दे दिया है और अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर और दूसरा सवाल है ये, इस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? इसके लिए हम आपको देते हैं चार ऑप्शन, ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन सी अरुण जेटली और ऑप्शन डी उर्जित पटेल। तो आइए जानते हैं कि क्या वो इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। उर्जित पटेल। तो आज मोहम्मद जी ने जवाब दे दिया है और उन्होंने ऑप्शन बताया है उर्जित पटेल। तो आपको बता दें कि आज मोहम्मद जी यहाँ पर कामयाब हुए कि नहीं, क्या लगता है आपको कि क्या सही जवाब है ये? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। तो आज मोहम्मद जी ने दूसरे सवाल का भी सही जवाब दिया है और अब वो किसान कब से तीन कदम दूर है। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर और आज मोहम्मद जी के लिए तीसरा सवाल है ये, इनमें से किस खिलाड़ी के जीवन पर फिल्म नहीं बनी है? इसके लिए हम आपको देते हैं चार ऑप्शन, ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी मोहम्मद अजहरुद्दीन और ऑप्शन डी मोहम्मद कैफ। तो इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर ठप्पा लगाते हैं आज मोहम्मद जी? आइए जानते हैं उनसे जवाब। मोहम्मद कैफ पर नहीं बनी कोई फिल्म। तो आज मोहम्मद जी ने इस सवाल का भी जवाब दिया है, हमने चार ऑप्शन दिए थे जिसमें चार खिलाड़ियों के नाम थे और तीन खिलाड़ियों के नाम पर फिल्म बनी हुई है और एक खिलाड़ी के नाम पर फिल्म नहीं है और इस खिलाड़ी का नाम उन्होंने बताया है मोहम्मद कैफ, यानी ऑप्शन डी।
आज मोहम्मद जी को लगता है खेल की भी बहुत अच्छी जानकारी है, सिनेमा की तो है ही, तो ये जवाब भी बिल्कुल सही जवाब। तो आज मोहम्मद जी तीन सवालों के सही जवाब दे चुके हैं और इससे पता चलता है कि उन्हें खेल की भी काफी अच्छी जानकारी है और फिल्मों की भी जानकारी है। और अब जान लेते हैं कि साहित्य में भी वो रुचि रखते हैं क्या, साहित्य की भी कुछ जानकारी है उन्हें। तो अब है आज मोहम्मद के लिए चौथा सवाल, और चौथा सवाल है ये, दो बैलों की कथा इस कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी प्रेमचंद और ऑप्शन डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चार ऑप्शन है और इसमें से सही जवाब क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आस मोहम्मद जी से। प्रेमचंद जी। तो आस मोहम्मद जी ने इस सवाल का भी जवाब दे दिया है, और अगर ये सवाल जो हमने उनसे पूछा है उसका जवाब सही देने में कामयाब होते हैं तो पता चलेगा कि वाकई में साहित्य से भी इनका प्रेम है। तो आपको बता दें कि उनका जवाब बिल्कुल सही है, प्रेमचंद है इसके लेखक। तो आज मोहम्मद जी कामयाब रहे अपने चौथे पड़ाव तक, और खेल हो, सिनेमा हो या साहित्य हो, हर जगह आज मोहम्मद जी छाए हुए हैं और उनका तजुर्बा ही बोल रहा है यहाँ पर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अंतिम सवाल की ओर, जो कि आज मोहम्मद जी की जो आस है कि वो किसान कप जीतने में कामयाब होंगे, तो उनकी आस पूरी हो पाती है नहीं। तो चलिए पूछ लेते हैं अपना पांचवा सवाल। मौजूदा लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है? इसके लिए आपके पास है चार ऑप्शन, ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी सुमित्रा महाजन और ऑप्शन डी मायावती। सुमित्रा महाजन। तो जैसा कि पांचवे सवाल का भी जवाब आस मोहम्मद जी ने दे दिया है, और ये जवाब क्या लगता है आपको सही है? मुझे तो लगता है बिल्कुल सही है, आस मोहम्मद जी ने पांचवे सवाल का भी सही जवाब दिया है। हम चाहेंगे आस मोहम्मद जी अब हम आपको किसान चैनल की तरफ से जो किसान कप है वो दें। आपने इस किसान कप को जीत लिया है, और आज के कार्यक्रम की खास बात ये रही कि सभी प्रतिभागी जीतने में कामयाब रहे और सभी ने दिए सही जवाब। एक बार फिर से तालियां हो जाए तो हमारे तीसरे विजेता प्रतिभागी के लिए किसान कप लाया जाए। तो आस मोहम्मद जी के लिए ये कप है और उन्होंने इसे जीता है, पांचों सवालों के सही जवाब दिए हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, साहित्य हो, राजनीति हो या फिर खेल हो, सभी क्षेत्र के माहिर नजर आ रहे हैं। तो आस मोहम्मद जी आपके लिए हमारी तरफ से ये किसान कप। आस मोहम्मद जी को हमने किसान कप दिया है, और अब हम चाहेंगे कि उनके तजुर्बे से भी हम कुछ सीख सके, हमारे देश के जो युवा हैं वो कुछ जान सके। आस मोहम्मद जी कुछ बातें अगर आप हमारे युवाओं को बताना चाहें, क्योंकि आपने पूरा एक दौर देखा है और बहुत चीजें बदलती हुई देखी, क्या लगता है कि किन बातों को आज के युवाओं को ध्यान में रखना चाहिए? आज के युवाओं को बड़ों की शर्म करनी चाहिए, और पशुपालन में दूध देने वाले पशुपालन और घर छाछ पी में मौज ले। चलिए बिल्कुल। तो जैसे कि आस मोहम्मद जी ने कहा कि पशुपालन में वो अपनी रुचि दिखाए और साथ ही साथ शिष्टाचार अपने जीवन में बनाए रखे, और ये बहुत जरूरी भी है, एक अच्छे नागरिक की ये पहचान भी होती है। और मौज में रहे यानी अच्छा पढ़े, अच्छा खाए और विकास के साथ आगे बढ़ते रहे और जीवन आपका खुशहाल रहे, यही संदेश है आस मोहम्मद जी का। बहुत बहुत शुक्रिया आस मोहम्मद जी हमारे साथ आप जुड़े, और आज हम पहुंचे हैं आजमपुर गाँव में, हापुड़ के इस जिले में, और आजमपुर गांव के तीनों प्रतिभागियों ने हमारे साथ ये खेल खेला जिसमें वो कामयाब रहे जीतने में किसान कप। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे घूमते फिरते की एक नई कड़ी के साथ।